नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर के आई हूँ और इस कहानी में जो किरदार है उसका नाम मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है, गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक लड़का रहता था। वल्लभ को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह गांव की पाठशाला में जाता था और वो गांव की पाठशाला जो थी वो बहुत दूर थी और वहां जाने का रास्ता बड़ा खराब था, उबड़ खाबड़। वल्लभ जो था वो उसी रास्ते से हर रोज पाठशाला जाता था। एक दिन की बात है, वल्लभ जो था वो अपने दोस्तों के साथ तभी उसके पैर जा रहा था, रास्ते का एक नुकीला पत्थर लग गया। पैर की उंगली से रक्त यानी खून बहने लगा और वल्लभ ने अपने चोट की परवाह नहीं करी और उसने दृढ़ निश्चय किया कि आज वह इस पत्थर को निकाल फेंकेगा। ताकि किसी और को इस पत्थर से चोट ना लगे और वो वहीं रुक गया और पत्थर को निकालने की कोशिश करने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई, निकल जा निकल जा, आज तो तुझे मैं निकाल के रहूंगा ताकि किसी को चोट ना लगे। पर वल्लभ भी कहां हार मानने वाला था, उसे निकालने में लगा रहा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर बतर हो गया। वल्लभ के सभी साथी उसे अकेला छोड़कर स्कूल चले गए, लेकिन वल्लभ ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसकी हिम्मत जीत ही गई और उसने उस पत्थर को निकाल फेंका। उस पत्थर को उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया ताकि खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक कर दिया जाए। उसके पैर की उंगली से अभी भी खून बहुत ज्यादा बह रहा था और वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल की ओर चलने लगा, लेकिन स्कूल पहुंचने में उसे देर हो गई। जब उसके टीचर ने देर से आने का कारण पूछा तो वल्लभ ने रास्ते से पत्थर को हटाने वाली सारी घटना बताई अपने टीचर को। उनके गुरुजी खुशी से गदगद हो गए, उन्हें वल्लभ पर बहुत नाज हुआ। उन्होंने वल्लभ को गले से लगा लिया, उसके पैर के अंगूठे की मरहम पट्टी की और बोले, बेटा सब लोग रुकावटों से बचकर निकल जाने का आसान रास्ता चुनते हैं, तुमने चोट लगने के बाद भी रुकावट वाले उस पत्थर को ही हटा डाला, अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी होगी। तुम्हारे इस काम ने केवल तुमको ही नहीं बल्कि और लोगों को भी फायदा पहुंचाया है। और बच्चों, वो बालक कोई और नहीं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने थे। अच्छा बताओ, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी में हमें दृढ़ संकल्प रखने की शिक्षा मिली है। वल्लभ भाई पटेल के बचपन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने संकल्प से दृढ़ रहना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई तो लाइक करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।